मूत मंगलमय स्नान समाज धर्म प्रेमी सज्जनों सब कामों के लिए भटनाहट आवाज में है कि बढ़िया आवाज में है। अभी हम लोग भजन सुन रहे थे सद्गुरु कबीर का, बीत गए दिन भजन बिना, जीवन के दिन भजन के बिना बीतते चले जा रहे हैं। जीवन तो सबका बीत रहा है, जीवन भी सबको मिला हुआ है, अपने अपने ढंग से हर आदमी जीवन जी रहा है, लेकिन क्या सचमुच में जीवन जीने की कला मालूम है? यह मानव जीवन पाकर जो हमें करना चाहिए क्या वह काम कर रहे हैं? जीवन जीना है तो हमें खाना तो पड़ेगा, बिना खाए हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता लंबे समय तक। खाना है तो काम भी करना पड़ेगा, काम ना करे तो कहां से अनाज मिलेगा, कहां से पैसे मिलेंगे, कहां से चीजें मिलेगी, काम करना पड़ेगा। आदमी जीवन भर अकेला नहीं रह सकता, संयम से नहीं रह सकता, तो बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं। बाल बच्चे पैदा हुए तो बाल बच्चों को लिखाना पढ़ाना पालन पोषण करना ये भी मजबूरी है। यदि खाना कमाना बाल बच्चे पैदा कर लेना उनको पाल पोस लेना यही जीवन का उद्देश्य है, इतना तो जानवर भी करते हैं। सुबह से शाम तक हर जानवर अपना पेट भर लेता है, समय आने पर जानवर बच्चे पैदा कर लेते हैं और पाल पोस लेते हैं। छोटी सी चिड़िया को भी मालूम है कि अंडा जो दिया गया है अंडे को कैसे सेवन करना है, कब बच्चे निकलेंगे। उतना आदमी कर ले उतने में सीमित रह जाए, तो जानवरों में और आदमियों में अंतर क्या हुआ? जानवर पेट भरता है, आदमी पेट भरता है। जानवर बच्चे पैदा कर लेते हैं, आदमी बच्चे पैदा कर लेते हैं, जो पाल पोस देते हैं, लेकिन फर्क क्या है? किसी भी जानवर को टेंशन की बीमारी नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है। जानवरों का कोई खेत खलिहान नहीं है। क्या है जानवरों के पास? गली गली में कुत्ते घूमते हैं, उनका घर है कि द्वार है कि खेत है कि खलिहान है, कि उनकी मेहनत मजदूरी है, कि उनके बैंक में पैसा जमा है, क्या है उनके पास? लेकिन गली गली में घूमने वाले कुत्ते गांव किसी गली में या किसी चबूतरे पर या धूल में रात भर मस्त सोते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आदमी सब कुछ है, अपना घर द्वार है, परिवार है, खेत खलिहान है, घर में खाने के लिए अनाज साल भर का रखा हुआ है, बैंक में पैसा भी जमा है, और आदमी भी नहीं आ रही चिंता के मारे, भय के मारे, टेंशन के मारे। किसी जानवर को आपने जहर खाकर फांसी लगाकर या नदी तालाब में डूब करके आत्महत्या करते देखा है?
कोई जानवर, कोई गाय, बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, बकरी आत्महत्या करने के लिए रेल की पटरी जाकर सोता है? कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता है। आदमी ऐसा जानवर है जो अकेला आत्महत्या करता है। क्यों? कोई आदमी गलत काम कर जाता है, कहते हैं क्या जानवर जैसा। अरे जानवर जैसा बनता भाई? जानवर जानवर कितने संतोषी हैं, जानवर जैसा बने हैं आदमी? जानवर लड़ाई झगड़ा करता है, जानवर किसी को गाली देता है, जानवर किसी बहु बेटी पर दृष्टि करता है, किसी में मुकदमा करता है? जानवर जैसा बन तो जाए, काम बन जाएगा, लेकिन जानवर ऊपर नहीं उड़ सकता। ज्ञान विज्ञान का विकास जानवर नहीं कर सकता, आदमी करता है। ये कला कौशल का विकास आदमी करता है। आदमी की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, चाहे ऊपर उड़ जाए आदमी, चाहे नीचे चला जाए। आदमी जैसा दुखी प्राणी दुनिया में कोई नहीं है, तो आदमी जैसा सुखी प्राणी दुनिया में कोई नहीं है। ये दुख कहां से आता है और सुख कहां से आता है? दुख अगर बाहर से आता है और सुख बाहर से आता है। दुख भी भीतर से आता है और सुख भी भीतर से आता है। कहां से? मन। मन बढ़िया है तो कहीं कोई दुख नहीं है, और मन बिगड़ा हुआ है तो कहीं कोई सुख नहीं है। सुख और दुख दोनों का केंद्र हमारा मन है। मन को ठीक कर ले आदमी, भगवान बन जाएगा। मन को बिगाड़ ले आदमी, शैतान बन जाएगा। आदमी को छोड़कर आपको कहीं शैतान नहीं मिलेगा। आदमी को छोड़कर आपको कहीं भगवान भी नहीं मिलेगा। मूर्ति है मंदिर में तो मूर्ति है किसी महापुरुष की, उसकी प्रतिकृति है बस। वो मूर्ति भगवान नहीं है, भगवान आप मान लेते हो वो बात अलग है। चित्र है कभी शहर का, उस चित्र को हम दीवार में टांग दें या दीवार को टंगे हुए चित्र को उतार कर बाहर रख दे, चित्र कुछ नहीं कर सकेगा। कभी साहब चित्र हम रखते हैं घर में, हमारे गुरु हैं, उस चित्र को देखने से उनकी याद आती है, उनके ज्ञान की याद आती है, उनके जो उपदेश है उनकी याद आती है, और मन में अच्छी भावना पैदा होती है, संसार अच्छे बनते हैं, प्रसन्नता होती है। बस इतना है। इन चित्र रखते हैं, चाहे राम का चित्र रखो, चाहे कबीर का रखो, चाहे कृष्ण का रखो, चाहे महादेव का, किसी चित्र रखो, देखोगे याद आएगी, अच्छी प्रेरणा मिलेगी, मन में प्रसन्नता होगी, सात्विक भावना आएगी, फायदा है। अब कबीर साहब का चित्र है, अगर बत्ती जला कर उसकी आरती करो तो वो चलने के लिए बेटा शुक्रवार कभी आशीर्वाद तो नहीं देगा, प्रणाम करो कभी आशीर्वाद तो नहीं देगा, उसे भोग लगाओ कभी वो खाएगा नहीं, वो तो हम
हमने मान लिया कि चित्र भगवान है, बना उस चित्र को हमने बनाया, हमने मतलब आदमी ने बनाया केवल प्रेरणा लेने के लिए, अच्छे संस्कार पैदा करने के लिए, लेकिन हमने चित्र बनाया और हम उसकी पूजा करके मान लिया कि भगवान है, भगवान हमारा काम पूरा कर देगा। वो काम पूरा नहीं करेगा, काम बिगाड़ेगा भी नहीं। कभी कहा तो हम लोग अपना गुरु मानते हैं, आज है नहीं, उनके चित्र है। अब हमारे घर में चित्र कभी का रखा है, चित्र राम का रखो, चाहे कृष्ण का रखो, बुद्ध का रखो, महावीर का रखो, कबीर का रखो, हनुमान का रखो, और सोचे हमारे घर में जो चित्र रखा है भगवान के, घर खुला छोड़ दो और कह दो कि भगवान हनुमान जी कबीर का है, मैं क्या कहें, मैं दहा जा रहा था बाली करना, रात में चोर आकर के घर चोरी कर, चित्र क्या लगेगा। तो चित्र रखना पूरा नहीं, तो चित्र की पूजा आरती करना आपकी भावुकता है, वहां भगवान नहीं बैठा है, शैतान भी नहीं बैठा है। यमराज का चित्र आप घर में रख लो तो घर घर के लोगों के हाथ में मौत हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, वो तो चित्र है, वहां से यमराज कहां निकलेगा। तो चित्र चाहे यमराज का रखो चाहे किसी भगवान का रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, देखो कि फर्क ना नहीं पड़ेगा। बस मैं ये कह रहा था, यदि आदमी अपने मन को ठीक कर ले तो आदमी जैसा भगवान आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और आदमी मन को बिगाड़ ले तो आदमी जैसा शैतान आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हर आदमी का मन शैतान बना हुआ है, उसी शैतान मन को भगवान बनाना है। कैसे बनाना है? भजन द्वारा, भजन की उपयोगिता, भजन की आवश्यकता, अपने बिगड़े मन को सुधारने के लिए, शैतान मन को भगवान बनाने के लिए है। भगवान का मतलब किरदार, दुख रहित अवस्था, भय रहित अवस्था, चिंता रहित अवस्था, ये भगवान की अवस्था है। भगवान सुनते मान लेते हैं दुनिया बनाने वाला, ऐसा कुछ नहीं। मैं कह रहा था कि जानवरों में और आदमियों में जो अंतर है वह अंतर मन के कारण है, और हर आदमी का मन एकदम अशांत चंचल भटक रहा है। ये मन का भटकाव ही दुख का कारण है, उसे ठीक करने के लिए हमें भजन की आवश्यकता होती। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन के बिना दिन बीत गए। बीत गए दिन भजन बिना रे, किस सुंदर जीवन मिला होगा। दुनिया में मूल्यवान क्या है? हमारा जीवन, हीरा तरीके जीवन कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जीवन से आप हीरा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन हीरा देकर के जीवन खरीद नहीं सकते। हीरा तो एक पत्थर ही है, पर कहां है जीवन, कहां हीरा। लेकिन हीरा मूल्यवान होता है, इसलिए कहते हैं हीरा तरीके जीवन। दुनिया में सबसे मूल्यवान है हमारा जीवन। दुर्भाग्य यह है कि हम स्वर्ग का मूल्य समझते हैं, जीवन का मूल्य समझ नहीं पाते।
और जीवन मूल्य समझने के लिए भजन की आवश्यकता है। जितना जितना भजन करते जाएंगे उतना उतना जीवन का मूल्य समझ में आता जाएगा, क्योंकि जीवन ऊपर ऊपर चला जाएगा, शुद्धता शुद्धता चला जाएगा। और फिर एक ऐसी अवस्था आएगी कि जीवन में मन में कोई दुख नहीं रह जाएगा भीतर। उसके लिए चाहिए भजन। अब भजन क्या है? भजन कब करें हमें? आप कह सकते हैं हम भजन तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है, इतना काम बढ़ गया है कि फुर्सत नहीं है। फुर्सत है जब आपका मन होगा भजन करने के लिए तब। और भजन करने के लिए हम समय की आवश्यकता नहीं, कभी भी भजन कर सकते हो, काम करते करते भजन कर सकते हो। कबीरदास ने क्या कहा है? कर से काम मन से राम, कहें कबीर सरई दो काम। काम करते करते भोजन बनाते बनाते भजन हो सकता है, झाड़ू लगाते लगाते बर्तन मांजते मांजते, कपड़ा धोते धोते, नहाते नहाते, खेत में काम करते, हर समय भजन हो सकता है, कहीं भी भजन हो सकता है। भजन मुख्य है अपने बिगड़े मन को सुधारना और अपनी गलतियों को छोड़ते जाना, सोचते जाना, मन को शांत करते जाना। किसी छत्तीसगढ़ की बात है, एक साधिका कहती थी, साहब जो मेरा मन पहले बहुत भागता रहता था, यहां वहां बेकार बेकार बात याद होती रहती थी, और जितनी बेकार बात याद करोगे ना उतना अंदर दुखी रहोगे, मन और बिगड़ता चला जाएगा। किसी की गलत बात को याद मत रखो। सो रहे थे कुछ देर पहले, सार सार को कह रहे ठोठा दे पूरा। किसी की जो गलत बात है वो भूसी के समान है, छिलके के समान है, उसको उड़ा दो। किसी की अच्छी बात है उस अच्छी बात को साफ चावल के समान ग्रहण कर लो। तो मैं साथ की बात कर रहा हूं, कहते गुरु जी पहले मेरा नाम बेकार बेकार बात याद करता रहा और मन परेशान हो, लेकिन अब बेकार बातें भूल गई। वो कहती थी मैं कुछ नहीं काम करती हूँ, चाहे झाड़ू लगाऊ, बर्तन मांजू, कपड़ा धोऊ, वजन बनाऊ, मैं कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती हूँ। कभी आपकी साखी याद है, कोई भजन याद है, कोई गुरु मंत्र याद है, कोई गीत याद है, तो गुनगुनाते रहो गुनगुनाते रहो हल्की आवाज में, आपका मन भागे यानी भजन हो रहा है। ये तो नहीं कहा जा रहा जब आप काम करते हो, खेत में काम करते हो, रास्ता चल रहे हो, घर में बैठ करके कोई और काम कर रहे हो, लेकिन आपका मन कहाँ है? भले आप घर में बैठ करके कोई काम कर रहे हैं और उस समय भी मन आपका बाजार में घूम सकता है, किसी से झगड़ा कर सकता है, किसी से बात कर सकता है। उसी मन को एकाग्र ठीक करने के लिए भजन की आवश्यकता है। अब भजन खा रहे हो बैठ करके, लेकिन मन खेत में गया है, दफ्तर में गया है, किसी के घर में बैठने गया है, मन दो काम एक साथ हो रहा है ना, तो जो मन यहां भागता है ना, तो गुनगुनाते रहो, कोई गीत याद, सबको याद है, देवियों को भी याद है, देवताओं को भी याद है, सबको याद है। कभी साखी सुनते हो एक आदमी
किसी गुरु से जुड़े किसी गुरु कोई गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है कोई मंत्र याद है गुरु बनाओ हल्की आवाज में गुरु बनाओ कि अकेले सुन सको। अब देखोगे फिर मन को काम मिल गया है वो भागेगा नहीं गलत बात नहीं सोचेगा। कहा जाता है ना खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग का घर क्या है? जब हम मन को सही काम नहीं देते लेते हैं चुपचाप जैसे कर रहे हैं तो उसमें मन तो भागेगा भागेगा। मन को काम दो और काम क्या है मैंने कहा था काम तो करता है ना किसी की बुराई कर रहा है किसी की ईर्ष्या कर रहा है किसी कुछ कर रहा है ये गलत काम इससे जीवन बिगड़ेगा। मैं कुछ सहज ढंग में बता रहा हूं भजन क्या कैसे करना है कोई भी तो जब भी कुछ काम करना हो चाहे भजन बनाना कपड़ा धोना बर्तन बनाना झाड़ू लगाना बाथ में स्नान करना या रास्ता करना कोई ना कोई अच्छी बात याद करो संतों की याद करो गुरु की याद करो कोई गीत याद है कुकुर घुमाना बस हो गया भजन। वैसे भजन को कहा जाता है अपनी जो गलत आदत है उन गलत आदतों का त्याग करना भजन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन इतना सरल है। भजन भजन छोड़ने के लिए आपको जगह जाने का आवश्यकता नहीं है भजन छोड़ने के लिए आपको घर छोड़ने का आवश्यकता नहीं है। अब ये थोड़े देखो हम जितने महात्मा लोग बैठे सबने घर छोड़ दिया के तहत भजन हम कहते भजन करें नहीं घर मत छोड़ो घर में ही रहो वहीं रहकर भजन करो। और क्या है अपनी जो गलत आदत है उस गलत आदत का त्याग कर देना। आदत तो है सबकी है अच्छी बुरी आदत गलत आदत झूठ बोलने की आदत चुगली करने की आदत निंदा करने की आदत यहाँ की बात वहां लगाने की आदत छिप करके कुछ खाने की आदत ईर्ष्या करने की आदत ये गलत आदत है। किसी की ईर्ष्या ना करोगे तो काम क्या बिगड़ जाएगा किसी की निंदा ना करोगे तो आपकी खेती रुक जाएगी कि नौकरी रुक जाएगी क्या रुक जाएगा। निंदा कर करके आप अपना मन खराब करते हो दूसरे के मन खराब करते हो। निंदा करना क्या है जानते हो जैसे कहीं किसी जगह पर गंदगी पड़ी हुई है थोड़ी सी गंदगी है ढकी हुई है गंदगी उस गंदगी को खोल देना अब बिखरा देना निंदा करना ऐसा ही है। किसी ने कोई गलती की ठीक है गलती कर लिया अब उस गलती को चारा देकर मामले बिखरते रहो हमारा भी मन खराब उसका भी मन खराब समय की बर्बादी। ईर्ष्या करना बिना आग के जलना आग में हाथ डालो आग हाथ डालना हाथ जल जाए ईर्ष्या बिना आग के भीतर भीतर जलते रहना है खुद को जला सकना ये काम होता है बहुत बड़े बड़े लोग करते रहते हैं। फायदा क्या हुआ अरे सचमुच की आग है उस आग में गलती से हाथ पड़ गया पैर पड़ गया हाथ जल गया पैर जल गए वो तो भूत है। जान बुझ करके कोई आदमी आग में अपना हाथ नहीं डालता रखता है पैर नहीं रखता है लेकिन ईर्ष्या करना जान बुझ करके आग में हाथ पैर डालना है अपनी जलाना है और ईर्ष्या कितने अपनी ही लोगों किसी के सुख को देख करके आदमी सहन नहीं कर पाता ईर्ष्या यही है क्या बिगड़ेगा उनका बिगाड़ अपना हो जाएगा। मैंने कहा था कि ईर्ष्या छोड़ दोगे तो आपका कौन सा काम उठेगा
ये ईर्ष्या छोड़ देना भजन करना, भजन हो गए। निंदा छोड़ देना भजन हो गए। तो जितनी गलत आदतें हैं जिससे हमारा जीवन बिगड़ता है उनका त्याग भजन, बिल्कुल सरल भजन है। भजन करना कठिन नहीं है, भजन करना बहुत सरल, बहुत सबसे सरल काम है भजन करना। खाते पीते उड़ते बैठते चलते फिरते कराते चलते कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। स्त्री कर सकती, पुरुष कर सकते, बूढ़े बालक जवान समझ सब कर सकते हैं, अनपढ़ विद्वान सब कर सकते हैं। देखो चाहे जीवन को बिगाड़ने का काम हो चाहे बनाने का काम हो, विद्वान भी कर सकते हैं और अनपढ़ मूर्ख भी कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं तो आपको बिना पढ़े लिखे नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़े लिखे नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकोगे। लेकिन आप अनपढ़ है अनपढ़ होगा तो बंधन बनाने का भी काम कर सकते हो और भजन करने का काम कर सकते हो। कहते हैं साहब हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम भजन ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, सरल है। कोई कहता है साहब हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमें गाली देने नहीं आता। हम अनपढ़ आदमी है, हमें हमें गुस्सा करने नहीं आता, हमें झगड़ा करने नहीं आता। जब अनपढ़ होकर के गाली दे सकते हो तो अनपढ़ होकर के प्रेम से बात कर सकते हो, अनपढ़ होकर के गुस्सा कर सकते हो तो अनपढ़ होकर के क्षमा भी कर सकते हो, अनपढ़ होकर के झगड़ा कर सकते हो तो अनपढ़ होकर के शांत रह सकते हो। ये शांत रहना क्षमा कर देना यही तो भजन है। अनपढ़ होकर सारा काम कर सकते हो, लड़ाई करना झगड़ा करना झूठ बोलना मारपीट करना, तो अनपढ़ होकर के प्रेम करना क्षमा करना सेवा करना भक्ति करना ये क्यों नहीं हो सकता है? तो चाहे अनपढ़ हो चाहे विद्वान हो हर आदमी भजन कर सकता है। जिन जिन से हमारा मन बिगड़ता है उनको छोड़ते चले जाओ। तो पहले मैंने ये कहा था कि कोई भी काम करते समय कोई आपको जो भी कोई गीत याद है, कोई मंत्र याद है, कोई भजन याद है, रामायण की चौपाई याद है, कविता की साखी याद है, गुनगुनाते रहो। बहुत हल्की आवाज है, आप देखोगे छह महीना काम करके पश्चात आपका मन कितना बदल गया, जीव मन भावना बंद कर दिया। फिर उसे ऊपर उठो तब अपने आदत को देखो कि जो गलत आदत है वो छूट रही है, छूट रही है। अकेले बैठो, आप रोज समय निकाल करके अकेले बैठो, ज्यादा समय नहीं। देखो सुबह उठो चाहे साधु चाहे गृहस्थ चाहे स्त्री चाहे पुरुष, सुबह उठो और दो चार मिनट अपने बिस्तर पर बैठ जाओ। बस मुझे तो दो या चार मिनट और बैठ करके ये सोचो कि अच्छा आप दिन भर सुबह से शाम तक मैं किसी के लिए कड़ शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आज मैं चाहे घर में पति हो पत्नी हो सास हो बहू हो बेटा हो भाई हो कोई भी हो गुरु हो शिष्य हो पड़ोसी हो किसी को आज मैं कट शब्द नहीं करूंगा, कठोर भाषा में आज बात नहीं करूंगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं गाली नहीं दूंगा, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा,
आज छिप करके कोई चीज में खाऊंगा नहीं। कठिन तो नहीं भाई, आप जिससे भी बात करूंगा प्रेम से बात करूंगा, मीठी वाणी में बात करूंगा, किसी से बोलूंगा तो उसको सम्मान करके बात कर, अगर लेकर के बात करूंगा, इतना कर लो हो गया भजन। पर इधर से बात तो करो, इसमें कोई कठिनाई है, लेकिन यही तो नहीं होता। हम किसी से प्रेम से भले बात न करें, कट शब्द में बात करते हैं, किसी को सम्मान न कर सके बात बात में गुस्सा करते हैं, दया कर सके या न कर सके कड़वा व्यवहार कर लेते हैं, बिगाड़ने का काम हमें बढ़िया आता है। हमारे जीवन को कौन बिगाड़ा है? हमने ही बिगाड़ा है, तो सुधारना भी हमें होगा। उसे सुधारने को कहते हैं भजन। अब किस देवता को मानते हो, किस देवी को मानते हो या नहीं मानते हो, भगवान मानते हो नहीं मानते हो, वो आपकी मर्जी। देवता भगवान मानोगे तो आप बढ़िया आदमी, नहीं मानोगे घटिया आदमी हो, ये दिमाग निकालो। भगवान मानो या मत मानो, अपने को तो मानते हो ना, अपने जीवन को मानते हो ना, सुख से जीना चाहते हो ही है, ये तो है ना, अंदर आनंद आनंद से रहना चाहते हो, ये तो आप चाहते हो, तो फिर क्या होगा? उसके लिए जीवन को शोधना होगा, उसे शोधने का नाम है भजन करना। मैंने कहा कि सुबह बैठो, अपनी एक एक गलती को सोचो कि अमुक गलती है, कितने दिन हो गए गुस्सा करते करते, उस गुस्सा पे लाभ क्या हुआ, कितने दिन हो गए झूठ बोलते बोलते लाभ क्या हुआ, कृपा करके लाभ क्या हुआ, गुस्सा कर गुस्सा छोड़ करके शांत रह करके जीवन जियो, आपका मन बढ़िया रहेगा, घर परिवार का वातावरण भी बढ़िया होगा। गुस्सा कर करके तो अपने मन में दूसरे मन में हमको बड़ा आग लगाने का काम करते हैं, ऐसे हर काम में ये भजन इतना सरल है, इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है। अब यही काम नहीं कर रहे हैं, इसे कबीर साहब कहते हैं बीत गए दिन भजन बिना रे, जीवन तो बीत रहा है, सबका बीत रहा है और बीतेगा, अंतिम परिणाम क्या है? आज नहीं तो कल मौत तो आएगी जरूर, सबकी आएगी हमारी भी आएगी, कब आएगी पता नहीं लेकिन आना है। सोचो यदि मौत सामने आ जाए और कहे मौत चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं, सोचो कि उस समय दशा क्या होगी, सुखी होगी या दुखी होगी, रोगे या हंसोगे, तैयारी है, जाना तो है। हम कहीं यात्रा में जाते हैं दो दिन चार दिन के लिए, अगर संबंधी के यहां भी जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं, एक लंबी यात्रा में हमें जाना है, उस यात्रा की तैयारी क्या है, उसके लिए कौन सा प्रबंध किया है, वही भजन। तो मौत आएगी और लंबी यात्रा में हमें साथ ले जाएगी, मौत को सामने खड़ी देख करके कोई दुख ना हो, पश्चाताप ना हो, पीड़ा ना हो, प्रथम हमें मन की है मौत, मैं तो तैयार था पहले, जैसे गाड़ी आती है ना स्टेशन में, हम जाते यात्रा की गाड़ी पकड़ने के तैयार रहते हैं, गाड़ी आती है बैठ जाते हैं, ये थोड़ा देखते हैं कि अच्छा सभी यात्री बैठ जाएंगे तब मैं बैठूंगा, नहीं, हम चाहते हैं सबसे पहले गाड़ी में मैं ही प्रवेश करूं, इंतजार नहीं करते किसी का,
ऐसे ही मौत की गाड़ी में पहले ही बैठने की तैयारी करना है, वो भजन से ही हो। मौत को सामने खड़ी देख करके दुख ना हो मन में, ये लगे कि जीवन पाकर के जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर लिया, प्रसन्न था। जैसे कहीं हमारा काम पूरा पूरा हो गया, कोई काम हमें करना था और काम पूरा हो गया तो खुशी होती है, चलो अभी अब काम पूरा हो गया, अब यहां से जाना है। इसलिए जिंदगी को ऐसा जिए कि मानव जन्म पाकर जो करना था मैंने कर लिया है। ये सोचोगे अभी तो बाल बच्चे छोटे हैं, अभी तो घर बनाना है, वो घर बनाना है, ठीक है, ये सब कुछ व्यवस्था कर इतना कर सकते हो, लेकिन अंतिम समय में सब काम नहीं आएगा, ना आपका घर काम आएगा ना हमारा मठ काम आएगा। ये तो व्यवहार के लिए, निर्वाह के लिए, बाल बच्चों की रक्षा के लिए, बूढ़ों के लिए आराम करने के लिए, इसके लिए है। तो इसके लिए जो कर सकते तो कर, भीतर का मकान जैसे बाहर आप मकान बनाते हो रहने के लिए, ऐसे जीव के रहने के लिए कहां मकान है, ये मकान बना है तो शरीर के रहने के लिए है, लेकिन आत्मा के जीव रहने के लिए मकान क्या, वो कैसे बनेगा? ये बाहर का मकान आपका ईंट लोहा सीमेंट बालू लकड़ी आदि से बन गया है, ये आत्मा का मकान नहीं बनेगा, आत्मा का मकान किसी भजन से बनेगा। और जिन्होंने भजन द्वारा मकान बना लिया है वो मौत को लेकर घबराएगा नहीं, बात थोड़ी समझने कम आएगा, लेकिन बिल्कुल फैसला धरने का रहा। भजन जो सही भजन करता है, चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो, दोनों आदमी है, गृहस्थ का कास्ट नहीं आया, जो साधु का कास्ट नहीं आया, आपकी गृहस्थी से ही आए, दोनों आदमी है, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, दोनों को अपने अपने के लिए मनाना कोई कहीं ये लाकर बना सकता है कि भजन कर सकता है। निर्भय मन, आश्वस्त मन, ये भीतर के मन एक भजन लगा वही तो नहीं हो रहा, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा है, असंतोष क्यों है भीतर में, उद्वेग क्यों है भीतर में, चिंता क्यों है भीतर में, सब कुछ तो हो रहा है फिर भी असंतोष। बिरले बिरले आदमी ऐसा है जिसके मन में संतोष होगा, भीतर से जो आश्वस्त होगा, निर्भय होगा, वो कौन होगा, जो भजन कर रहा होगा, चाहे साधु होगा चाहे वो गृहस्थ होगा। बिना भजन के कोई सुखी हो ही नहीं सकता है, भगवान ने यहां तक कह दिया, बिन भजन के प्राणी तो मुंह दिखाने के लायक नहीं, सुना है आपने भजन, ऐ मनुष्य यदि तूने भजन नहीं किया तो दुनिया को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं, हम सब काम करते हैं भजन तो नहीं कर रहा है। शुरू में मैंने ये कहा था, भोजन हमें खाना तो पड़ेगा, बिना खाए हम जी नहीं सकते, लेकिन खा करके भोजन करके क्या करते हैं, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, आदमी में और जानवर में अंतर क्या है, थोड़ी सी कड़वी बात में कह रहा हूं, आदमी में जानवर अंतर क्या, जानवर केवल भोजन कर सकता है, क्योंकि बिना उसको चाहे भोजन तो भी हो, जानवर केवल भोजन कर सकता है भजन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि तो जानवरों में मन का विकास नहीं है, और आदमी भोजन भी कर सकता है, करता ही है, और भजन भी कर सकता है, बहुत भजन भी करते नहीं, भोजन भी करते, भजन भी करते हैं। तो जो केवल भोजन करता है भजन नहीं कर सकता,
उसे कहा जाता है जानवर। और जिसे भोजन करने का भजन करने का भाग्य मिला उसे कहा जाता है आदमी। अब आदमी का शरीर पा करके, आदमी का जीवन पा करके जो केवल भोजन करता भजन नहीं करता है उसको क्या कहना चाहिए? आदमी। बात थोड़ी कर रही है, हम यदि केवल भोजन करते हैं भजन नहीं करते हैं तो हम ये प्राकृतिक जानवर हैं। और हमें कोई जानवर कह देगा हम दुखी हो जाएंगे, लड़ने तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यही तो कर रहे हैं, खा रहे पी रहे लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं झंझ रहे हैं, लड़ाई का झगड़ा कर रहे हैं, पता नहीं जीवन बीत गया। तो जानवर अच्छा है, लड़ता झगड़ता तो नहीं है, गाली गलौज तो नहीं करता जानवर, मारपीट तो नहीं करता, किसी घर में चोरी तो नहीं करता, मुकदमाबाजी तो नहीं करता है, ऐसा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, निंदा नहीं करता, शिकायत नहीं करता। और आदमी पता नहीं क्या 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 बाकी है। जानवरों के भोजन को देखो, गाय बैल बकरी ऊंट हाथी ये शाकाहारी है, ये मांस नहीं खाते। किसी हाथी के सामने जाकर के कितना भी हाथ कितने बड़े बड़े डाका राजा है, दुनिया का जो बड़ा बड़ा डाका राजा है, और हाथी से कहा देखो ये अंडा है ना, बहुत प्रोटीन है इसमें, तो खाएगा वो खाएगा हाथी। गाय को कहो बकरी को कहो देखो अंडा में मांस बहुत विटामिन प्रोटीन खाएगा। तो गाय ऊंट घोड़ा गधा बकरी हाथी ये सब शाकाहारी, कुत्ता बिल्ली ये तो शाकाहारी भी मानता है, लेकिन शेर बाघ भालू ये मांसाहारी जो जैसा वैसा करता है। लेकिन आदमी को क्या देखा, क्या क्या खा पी देता है आदमी को, सब कुछ खाने के लिए आ रहा है, ऐसी ऐसी चीज खा लेता है आदमी घृणित। कोई ऐसा जानवर नहीं बचा है जिसका मांस आदमी ना खाता हो। अभी सुना नहीं पढ़ा, आपके भारत में एक ऐसा प्रदेश है जहां कुत्ता का मांस बहुत प्यार से खाया जाता है, वहां सरकार ने कुत्ते की बिक्री के लिए कुत्ता मांस बिक्री के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आप फिर छूट दे दिया, अब आप कुत्ते का मांस बाजार में बेचा जा सकता है। कुत्ता मांस तो खाता है क्या, हर जानवर का मांस खाता है आदमी, हर जानवर कितना बिगड़ रहे हैं आदमी, जानवर कहां बिगड़ रहे हैं, लेकिन हम आदमी है कम से कम तो सोचना चाहिए जीवन क्यों मिला है। कभी विचारते ही नहीं है, रात दिन हाय 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 करते करते खत्म, रोते रोते खत्म हो गए, शिकायत करते करते हार करते जिए और हार करते मर गए। ये जिंदगी की हार है, इसी हार को जीत में बदलना है। रोते रोते पैदा होना प्रकृति का नियम है, हम बदल नहीं सकते, लेकिन शिकायत करते करते जिंदगी जीना और हार है करते रोते रोते मरना इसे हम बदल सकते हैं, हमारे हाथ में। हंसते हंसते विदा हो या हार है करते हुए विदा, ये हार है करना मिटे, हंसते हंसते दुनिया से विदा हो उसी के लिए भजन की आवश्यकता है। कबीर साहब में सुनी है ना, कबीर जब हम पैदा हुए जब हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कैसे कब होगा, भजन से होगा। शुभ काम करना भी भजन है, सेवा करना परोपकार करना किसी रक्षा करना आपस में प्रेम से रहना प्रेम बांटना दया का व्यवहार ये सब भजन के लक्षण में आ जाते हैं। और तब आदमी हंसते हंसते विदा होगा, और ये हमारे हाथ में,
कोई भगवान आपको नहीं देगा, गुरु भी केवल रास्ता बताएंगे, संत भी केवल रास्ता बताएंगे, कोई शैतान आपको बुलाता नहीं है, शैतान आपका मन ही बन जाता है भजन न करने के कारण। जो हुआ तो हुआ, बीत गया तो बीत गया, और लौट करके नहीं आ सकता। अब कितना जीवन शेष है कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आज से हमें भजन करना शुरू कर देना तो हमारा जितना जीवन बाकी वो सुधार सकता है। मैंने कहा कि केवल अपनी गलत आदतों को छोड़ते जाना, हमारी वो आदत जिस आदत से दूसरों को परेशानी होती है, दूसरों को तकलीफ होती है, हमारा अपने जीवन का आदत गलत आदत है। हमारे वो व्यवहार, हमारा वो कर्म जिससे हमारे अंदर प्रसन्नता होती है, दूसरों की प्रसन्नता होती है, दूसरों की आनंद मिलता है, वह आदत अच्छी आदत है। बस इतना करना, भजन हो गया तो जिंदगी बहुत मूल्यवान, बहुत मूल्यवान है। पूरी दुनिया की संपत्ति देकर के भी हम जीवन के क्षण को एक टिकट आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इतना मूल्यवान जीवन। और जीवन कहां कहां किस किस काम में बीत रहा है, बेकार बेकार काम में। एक जगह में गया हरियाणा में, मुझे जगह जाना था, गाड़ी पकड़ जा रहा था तो देखा ये चौराहे पर बैठ करके कुछ लोग ताश खेल रहे थे। खेलना तो चार लोग थे और पांच दस लोग ताश खेल को देख रहे थे, और इतने डूबे हुए थे, इतने मगन कि क्या कहना। पता भगवान भगवान आ जाता ना तो ऊपर नहीं आता, नहीं आता जितना तो ताश खेलने में मगन आ रहा, एकदम डूबे हुए थे ताश खेलने। मैं वहां से डेढ़ दो घंटा बाद लौट करके आया तो देखो उतने खर्चे में, देखो इन लोगों का कितना बढ़िया काम चल रहा है, दो दो घंटा बैठे आराम से करा, कल्याण होता है पूरा पूरा लोगों का। और वह आदमी कहेगा क्या कह रहे महाराज, फुर्सत नहीं सकता मैंने, सतन में फुर्सत नहीं है, आधी खेत के लिए चार घंटा फुर्सत है, घर वाला काम सब भूल जाए। आदमी कितना बिगाड़ा, कितना बिगाड़ा, कितना बिगाड़ा, बिगाड़ते बिगाड़ते और कहते हैं, और कहते क्या है, क्या कह रहे महाराज, भगवान हमारे हमारे तीर करा कर दे, आपको आपको मिले तो भगवान का भाव तो मिला नहीं, दुश्मनी आप भगवान, आपकी तकदीर को आपने बिगाड़ी है कि भगवान ने बिगाड़ी है। गलत हम आप करते हो, कहते भगवान ने तकदीर बिगाड़, भगवान ने कहा ताश खेलने को, भगवान ने कहा झूठ बोलने को, भगवान ने कहा बीड़ी पीने को, गलती आप करते हो, दो तकदीर को देते हो, दो भगवान को देते हो, इसी गलती सुधारना भजन करना है। और भजन स्त्री पुरुष को हर कोई कर सकता है, मैंने कहा था काम करते करते गुनगुनाते रहो, फिर अकेले बैठ के अपनी गलती को सोचते रहो, बस भजन हो जाएगा और इसी जीवन में परम आनंद परम शांति का अनुभव हो सकता है, और इसी के लिए इस सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग में क्या मिलता है आपको, क्या अच्छी प्रेरणा, ये जीवन मिला है तो जीवन का महत्व क्या है, जीवन को कैसे जीना है, कैसे दुख से छूट करके सुख का रास्ता है, दुख से सुख की वो, दुख से सुख की वो यात्रा, संसार से आत्मा की ओर यात्रा, बंधन से मोक्ष की ओर यात्रा करना, इसके लिए भजन आवश्यक है। अब आप क्या चाहते हैं, सुख से दुख की ओर आना चाहते हो या दुख से सुख की ओर आना चाहते हो, बंधन से मुक्ति को आना चाहते हो या मुक्ति से बंधन की ओर आना चाहते हो, यदि सुख से दुख की ओर आना चाहते हो तो सब यात्रा जानते ही हो, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, निंदा करना, चुगली करना, गाली गलौज करना, लेकिन दुख से सुख की ओर आना चाहते हो तो सब छोड़ देना होगा,
इसी के नाम भजन करना है। इसलिए हमारा निवेदन है कि सबके सब लोग घर में रह करके काम धाम करते रहे, भजन करो। मैंने कहा था साथी, कर से काम, मन से राम, कहे कबीर शरीर को काम, शरीर से मेहनत और मन से भजन। घर का काम बढ़िया होगा, आत्मा का काम बढ़िया हो जाएगा और हमारा जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। इसलिए सब लोग भजन करो और आनंद प्रसन्नता से जीवन जियो और जीवन जी करके जीवन को सार्थक करो। इन शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी की समय यहीं पर विराम। जय गुरु देव की जय। थोड़ा जोर से जय बोले।